Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Welcome to the video session, Cantab Publishers. Before we start, you need these three books with you. सबसे पहले प्यारे बच्चों, आपके पास General Science की book होनी चाहिए. Second thing is summer pack. Because nowadays you are sitting at home, तो आप लोगों के पास summer pack भी हो तो ज़्यादा अच्छा है, बहुत अच्छा है. और तीसरी चीज़ है प्यारे बच्चों, resource pack. ये रिसोर्स पैक जो है दिस इज फॉर द टीचर्स. लेकिन आजकल आप लोग गर्म पे हैं तो आपके वालिद, आपके पेरेंट्स, आपके बहन भाई कोई भी इसको डाउनलोड कर सकता है फ्रॉम द वेबसाइट ऑफ Cantab पब्लिशर्स. डियर स्टूडेंट्स, यस्टरडे वी डिस्कस्ड अबाउट टीथ. टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट बोन्स. बोन्स, दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द इंटरेस्टिंग टॉपिक. बट डू टेल मी, आपकी बॉडी में बोन्स है? यस. लेकिन कितने हैं, कौन मुझे बताएगा? शाबाश. नहीं है पता आपको और आपने बुक की तरफ भी नहीं देखा. मैंने आपको कहा था ना कि थोड़ा सा बुक देख लें और मैंने कहा था कि बोन्स देख लें. माय डियर स्टूडेंट्स, वेरी इंटरेस्टिंग. जब बच्चे पैदा होते हैं, जब आप पैदा हुए थे तो आपकी बॉडी में कितने बोन्स थे? पूरे 300. इंटरेस्टिंग. लेकिन आज आपकी बॉडी में 300 नहीं है. आज यू आर अबाउट 10 ईयर्स ऑफ एज. तो आपकी जो एज है तकरीबन 10 साल या 10 साल से ज्यादा है. तो आज आपके बोन्स की तादाद 206 हो गई. क्यों? इसलिए कि जो सॉफ्ट बोन्स थे वो आपस में जुड़ गए और फ्यूज होने से अगर दो बोन्स थे तो वो एक हो गया. ये थी बड़ी इंटरेस्टिंग बात. नाउ वी आर कमिंग टुवर्ड्स फंक्शंस ऑफ बोन्स. ये जो हम खड़े हैं, हम जो चलते हैं, हम जितने काम करते हैं, हमारी बॉडी को सपोर्ट किसने दिया है? हमारे बोन्स ने. वेरी गुड प्यारे बच्चों, आओ खूबसूरत सा ढांचा. डरना नहीं है. आप लोग जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो आप लोगों ने ये वाला स्केलेटन देखा है? यस. जब स्पेसिफिकली आप लोग ऑर्थोपेडिक डॉक्टर के पास जाते हैं तो आप लोगों को ये स्केलेटन नजर आता है. बल्कि जब अभी आप लोग 6th, 7th, 8th क्लास में जाओगे तो आप लोगों की प्रैक्टिकल्स होंगी साइंस लेबोरेटरी में, और साइंस लेबोरेटरी में भी ये स्केलेटन पड़ा होगा और आप उसको देखोगे. बल्कि जैसे स्कूल खुल जाए, रिक्वेस्ट योर टीचर टू टेक यू इनटू द साइंस लैब और साइंस लैब में इसको देख लें. तो मेरे प्यारे बच्चों, आओ थोड़ा सा इन बोन्स के नेम्स और इनके फंक्शंस पे बात करते हैं. तो सबसे पहले वी टॉक अबाउट स्कल. स्कल यानी सर के जो बड़ी हड्डी है इसको स्कल कहते हैं. और ये क्या काम करता है? इसके अंदर होता है ब्रेन, दिमाग. यानी दिमाग तो नरम होता है. आप लोग जब खाना खाते हैं तो कभी आप लोगों ने मगज खाया है? मगज को जानते हैं? जी हाँ, दैट इज ब्रेन. हाँ, कभी कभार जब होटल जाते हैं और मेन्यू लिस्ट आता है तो उसमें ब्रेन मसाला लिखा होता है. तो वो ब्रेन क्या होता है? हाँ, लेकिन वो इंसान का नहीं होता. वो किसका होता है? वो काव का होता है, बफेलो का होता है, या गोट और टीप का होता है. तो मेरे प्यारे बच्चों, ये स्कल क्या करता है? यानी ब्रेन नरम होता है, उसको प्रोटेक्ट करता है. उसके बाद बारी आती है रिब्स के. रिब्स क्या है? एक पिंजरे की तरह. आप चेस्ट को टच करो, आपको ये वाली हड्डियां नजर आती हैं. ये हड्डियां किस लिए होती हैं? इन हड्डियों के अंदर दिल होता है और इन हड्डियों के अंदर लंग्स भी होते हैं और इन हड्डियों के अंदर स्टोमिक भी होता है, जो आप लोगों ने पिछले टॉपिक में पढ़ा था. इन सारे ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ये पिंजरा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बनाया है. और इस पिंजरे को क्या बोलते हैं? रिब्स केज बोलते हैं इसको. दो चीजें आप लोगों ने सीख ली. लेट्स गो टू द थर्ड वन. दैट इज वेरी मच इंटरेस्टिंग. एंड दैट इज बैक बोन, दरमियान की, यानी बैक की हड्डी. कभी कभार आप फुटबॉल खेलते हैं ना, तो जो दरमियान में खड़ा होता है तो कहते हैं मैं अपनी टीम का बैकबोन हूं. तो बैकबोन क्या होता है? जो पूरी बॉडी के वजन को बर्दाश्त करता है. क्या करता है? ऊपर, यानी ऊपर और नीचे जो बॉडी है उसको कनेक्ट करता है. देखें सिंगल, ये जो आपको जो एक चेन नजर आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, ये बॉडी को कनेक्ट करता है.
हाँ उसके नीचे बारी आती है पेल्विस बोन्स की, प्रोटेक्ट इंटेस्टाइन एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. ये जो प्यारा मेरे प्यारे बच्चों, ये जो हिस्सा है ये आपके बॉडी के अंदर हमारे इंटेस्टाइन मींस आंत थे, छोटी आंत, और इसके साथ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और इसके बाद ब्लैडर, ये सारी चीजें होती हैं और इनको प्रोटेक्ट करता है. उसके बाद गो डाउन टूवर्ड्स लेग्स. जब आप लोग खड़े होते हैं, चलते हैं, भागते हैं, तो ये सारा काम किसका होता है? लेग्स बोन का होता है. और इनके साथ ये स्ट्रक्चर्स के साथ साथ एक और फंक्शन है, एंड दैट इज वंडरफुल फंक्शन. और वो क्या है प्यारे बच्चों? ये बोन के अंदर दो किस्म के सेल्स पैदा होते हैं जो आप लोग अगली क्लासेस में डिटेल से पढ़ेंगे, बल्कि इनफैक्ट तीन टाइप्स हैं. उसमें क्या होते हैं प्यारे बच्चों? रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और फैटी सेल्स. ये क्या होते हैं? बोन मैरो में पैदा होते हैं. तो मेरे प्यारे बच्चों, ये बेहतरीन काम करते हैं हमारी बॉडी के लिए. एंड आई एम डेम श्योर दैट यू हैव अंडरस्टूड द फंक्शंस ऑफ बोन्स इन आवर बॉडी. बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज माय डियर स्टूडेंट्स. एंड आई एम श्योर दैट यू विल गो इनटू द वर्कबुक एंड यू विल कंसल्ट इन योर समर पैक. समर पैक में जरूर इसकी एक्टिविटीज देख लें. बड़ी प्यारी प्यारी एक्टिविटीज दी हैं समर पैक में, आप लोग उनके साथ टैली कर लें.